वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो यार मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि तू जहाँ पे रहता है तूने उसी की वीडियो नहीं बनाई है, बाकी तू हर जगह की वीडियोस बना ही देता है कैसे नहीं कैसे। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चल ठीक है, एक वीडियो अपने कैंपस के नाम पे। और जस्ट यहाँ से मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऐसा ऐसा रोड है यहाँ से जीरो, अगर आप ओज घाट से आओगे तो जीरो पॉइंट से नीचे को आके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। वहाँ पे शुभ दादा खड़े है, यहाँ पे तिवारी मेरे साथ है, वहाँ पे हर्ष भाई, हर्ष भाई। तो यहाँ से एंट्रेंस है मेन एंट्रेंस, एक एंट्रेंस की साइड से भी है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बस बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना यूनिवर्सिटी में आके, वैसे जंगलों के बीच में बढ़िया रूल्स एंड रिस्पॉन्स। बताओ ये बस कितने जाती है? तो ये लोगो यहाँ से स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो यार मास्क ऑन है, मास्क लगाना ज़रूरी है वैसे भी, अकेले मिले हटा देते हैं, बट ऐसे अब जाएंगे यूनिवर्सिटी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में मेरे शुभ दादा चले, शुभ दादा। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सबका। बहुत ही गंदी इंग्लिश, सॉरी भाई, बहुत एनर्जेटिक बंदे हैं मेरे साथ, देखिए तिवारी है। कैसे हैं? इनकी बात तो कुछ छोड़ना, आप ध्यान में मत लेना, बाकी यूनिवर्सिटी के टूर पर फोकस करो, वहाँ से नीचे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आएंगे तो एक मेन एंट्री वाला है जहाँ पे सारे एंट्री वगैरह चेक होता है, तो यहाँ पे आपको चेक करके हम लोग को बोल दिया जाएगा वापस चले जाएगा। किसने बोला? मुझे ऐसा लगता है। नहीं बोला फिर मुझे ऐसा लगता है। तो वैसे यहाँ पे जैसे हम नीचे से ऊपर आओगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे आपको एंट्री वगैरह करनी पड़ती है अगर आप ऐसे आ रहे हो घूमने के लिए डे स्कॉलर टाइप की फील में, तो एंट्री डे स्कॉलर्स को भी नहीं करनी पड़ती वैसे एंट्री, बट आजकल कोविड का सीन चला है तब आपको एंट्री कोविड की रिपोर्ट चेक होती है, तो यहाँ से भी स्टार्ट है। जैसे आप लोग नीचे से ऊपर आओगे, यहाँ से ऊपर आते हो तो यहाँ पे अपना एक एकेडमिक ब्लॉक है, यहाँ पे सारे अकाउंट ऑफिस वगैरह जितना भी सारा काम होता है एकेडमिक से रिलेटेड वो सारा इस ब्लॉक में होता है। लोगों को भी कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है या फीस वगैरह से रिलेटेड तो इस ब्लॉक में होता है। पूरा मैप बना हुआ यूनिवर्सिटी का, अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है पता कि कहाँ से आना है क्या करना, तो आप पूरा मैप देख सकते हो। वैसे कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से जैसे हम अभी यहाँ पर हैं, हम अभी यहाँ पे ए ब्लॉक से ऊपर जाएंगे, सी डी ये पार्किंग है, ये ओटीआई है, ए ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, ऐसे मतलब पूरा देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो जिसको नहीं पता कोई डाउट वगैरह। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हट्स बने होते हैं हर स्टूडेंट के लिए ताकि फ्री टाइम है तो आप लोग यहाँ पे आगे चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो फ्री टाइम पे, लंच कर सकते हो बैठ के, जो भी कर सकते हो आराम से, बढ़िया फोन चार्जिंग के लिए भी बन सकता है, बाकी फ्री टाइम पे आप लोग आ सकते हो क्लासेस के बीच में नहीं, कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं फ्रेंड्स के साथ, आप गर्लफ्रेंड के साथ भी बैठ सकते हो। तो वैसे जैसे मैंने आपको हट्स बताए, ऐसे हट्स बन रहे थे, जैसे ये भी एक छोटा ही ओपन हट है, मतलब एक ट्री हाउस, मतलब क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, जो भी बोलता हूँ आप लोग फील समझो, मैं बकचोदी नहीं करूँगा। ओपन एरिया, ये ओपन एरिया ऐसा है, और एक हट बना हुआ है ये टीचर्स के लिए होता है, टीचर्स के लिए है ना हट, और एक ये ब्लॉक ही है, ये एग्रीकल्चर वालों का ब्लॉक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की क्लासेज लगती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो ये चीज़ें नोट करके रखना। स्टूडियो है, ये स्टूडियो है मतलब कुछ भी हर टाइप की फील है जो भी है, और यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग है, आप लोग गाड़ी वगैरह मतलब कोई टीचर है फैकल्टी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई आता है, विजिटर पार्किंग है ये, वो लिखा हुआ है। आप लोग स्टार्टिंग में बताया नीचे ना कि एक रास्ता शॉर्टकट और है सीढ़ियों का, वो कौन सा मैं आपको बताता हूँ, ये वाला रास्ता है, यहाँ से नीचे जाके वो मेन रोड से वहाँ से नीचे आ सकते हो आप, ऐसा जैसे जैसे हट बन होते हैं, अच्छी फील है, इको फ्रेंडली फील है, प्यारी सी फील आती, होते ना इको फ्रेंडली सी एनवायरनमेंट होता है, पेड़ पौध सब कुछ वैसी ऐसी फील आती है अपनी, अपना कैंपस सुंदर है वैसे। एंड यू कैन क्रिएट सम नाइस बाय जूसेस इन योर स्टमक, दे विल जस्ट लाइक बहुत इंग्लिश होगी सॉरी। तो यार मैं आप लोगों को ओईटी दिखाता हूँ, ओईटी का मतलब ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे बैठ के सारे फंक्शंस होते हैं हमारे, यहाँ पे आधे फंक्शन यहाँ होते हैं आधे ऊपर ग्राउंड में होते हैं, फेस्ट वगैरह जो होता है वो ग्राउंड में होता है। तो एक बार ओईटी दिखाता हूँ, यहाँ से भी रास्ते ऊपर डिपार्टमेंट्स के लिए जाने के लिए। यूनिवर्सिटी में जितने भी फंक्शन होते थे मंच तो छोटे मोटे इंटर डिपार्टमेंट वगैरह सारे यहीं पे होते थे, तो यहाँ पे ऊपर परफॉर्म करते हैं, हमारे यहाँ पे शुभ दादा ने परफॉर्म करा है, 6 साल बाद परफॉर्म किया गाइस, बट फिर भी मैं फर्स्ट नहीं आया, फिर भी कोई गम नहीं इस चीज़ का, मैं बस चाहता था कि मैं गाऊँ और मैंने गा दिया। तो यहाँ पे होता था, यहाँ पे बैठे होते थे, और यहाँ पे ओ भाई साहब ये देखो ये फील चेक करो आप, यहाँ बैठे बैठे भी यहाँ पे ऑर्गेनिक है, अपनी यूनिवर्सिटी में सब कुछ ऑर्गेनिक, पेड़ पौधे हैं पत्ते हैं यहाँ पे, क्यों आप यहाँ के पत्ते खा भी सकते हैं गाइस, अच्छा एक हो जाएगा जोक से पार्ट, बट सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे पढ़ने की, करिकुलर एक्टिविटीज, मैं व्लॉग बना रहा हूँ मेरे को भी अच्छी फील आ रही है, चल झूठा मतलब ऐसा ऐसा फील है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं यार, मैं क्या बोलूँ, मेरे को नहीं आता ऐसे कैंपस टूर वगैरह की वीडियोस बनाना या किसी चीज़ का टूर, तो आपको पता है मेरे कैसा मतलब
बोलने का भी तरीका वगैरह, ऐसे कैंपस कैंपस टूर की वीडियोस मैं करता नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए सिर्फ ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ से ऊपर देखोगे तो वो अपना डिपार्टमेंट है, फार्मेसी ब्लॉक। पहले आप लोगों को मेन मेन से दिखाऊंगा, जो मेन यहाँ की यूनिवर्सिटी का रोड है, ये NH है, यहाँ से डिपार्टमेंट्स के अलग अलग रास्ते जाते हैं, वो मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। बाकी मैं लास्ट में जब वहाँ से टूर करके आऊँगा तो वहाँ से पीछे पीछे से आपको सेंटर मेस वगैरह से लेकर नीचे तक लेके जाऊँगा, ठीक है। डन वाला OET का एक और रास्ता ऊपर से आने के लिए, ये भी आप लोगों को पता लगेगा कहाँ से। और यहाँ पे एक हट होता था, इस हट के साथ मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज है, बहुत ज्यादा टूट चुका है भाई, ये वाला हट गिर चुका है, हम इसको बहुत दुख हुआ पर फिर भी। तो ऐसे ऐसे यहाँ से ऊपर आए, वहाँ से नीचे से, याद रखना आप लोगों को याद भी रहना चाहिए कैंपस टूर कैसे, ऐसा नहीं कि डाइवर्जन आया नीचे वाले रोड का, यहाँ से ऊपर को जाता है फार्मेसी ब्लॉक का रास्ता, वो ब्लॉक में आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छी बात पता क्या है, यहाँ जगह जगह पे डस्टबिन रखे हैं, तो आपका मन नहीं करेगा कूड़ा कहीं और फेंकने। यहाँ पे हर जगह डस्टबिन है, देखो गंद कूड़ा करकट कुछ भी नहीं, प्यारी सी यूनिवर्सिटी, कूड़ा तेरे को नहीं बोला भाई, तेरे को नहीं बोला। बाकी ऐसे देखो फूल लगे आराम से, यहाँ से डिपार्टमेंट है, यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। इन सब की बातों को इग्नोर करो यार, आप लोग वीडियो देखो, कैंपस टूर देखो आप लोग। यहाँ से ऊपर लाइब्रेरी, गर्ल्स हॉस्टल, GH ब्लॉक, नेस्कैफे, पाइन कोर्ट, सबके लिए ये रास्ता आते हैं, हम लोग भी यहीं से जाते हैं जब हम क्लासेस लगा के आते थे अब, तो चलो कहीं आते हैं वो दिन भाई, वो लो टाइम याद है जब ऊपर चढ़ते जाते थे। ये अपना हेल्थ केयर सेंटर है यूनिवर्सिटी का, जब बच्चा कोई बीमार होता है या कुछ भी दिक्कत है यहाँ पे सब कुछ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, माइनर से माइनर ट्रीटमेंट, मेजर से मेजर ट्रीटमेंट, रेफर कर देते हैं भाई। हेयर ट्रांसप्लांट सबको ट्रांसप्लांट नहीं होता। बाकी ऐसे ऐसे कैफेज है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे बैठ के आप लोग खा सकते हो कुछ भी, छोटी मोटी चीजें खाने से ज्यादा कुछ हम खा सकते हैं क्या? हम खाएंगे पहले दिखा देते हैं, खाने के लिए पैसे तो नहीं चाहिए होते हैं। पाइन एंड वो नहीं अपने पास, नहीं नाम बाकी एक ही है पाइन एंड डाइन। तो छोटे मोटे कैफे बने, प्यारी प्यारी फील आती है क्लासेस के बीच में। आप लोग यहाँ पे आगे देखो, नेस्कैफे है यहाँ पे, आपको मैगी से लेके यहाँ पे मैगी, सैंडविच, बर्गर, कॉफी, कैपेचिनो, लाते सब कुछ मिल सकता है, लाते हैं यहाँ पे नेस्कैफे, लाते भी मिलते हैं यहाँ पे। हम लोग भी यहीं पे आके बैठते हैं, यहीं पे आके खाते हैं जब क्लास वगैरह, स्टूडेंट जो जो आपको अच्छा लगता है सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे बैठ के, काफ़ी फील ली है। यहाँ पे नेस्कैफे था, ऊपर पाइन कोट है, उसको पाइन कोट बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कैसी फील है, क्या क्या चीज़ है। बाकी यहाँ पे भी बैठे होते हैं बच्चे शाम के टाइम पे, ऊपर पाइन कोट चलते हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर रास्ता है, बाकी बहुत ही प्यारी फील आती है जिसको, प्यारी फील होती है, प्यारी फील देखो, फूल बगीचे हर जगह, ऊपर पाइन कोर्ट को जाता है पाइन कोर्ट, ये GH ब्लॉक, फिर ये पाइन कोर्ट है, यहाँ पे भी हम बैठते थे चिल करते, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए जगह है, यहाँ से बढ़िया व्यू आता है, यहाँ से हमको नेस्कैफे पूरा दिखता है, पाइन एंड डाइन और एक परे है वो, उसका मेरे को नाम नहीं पता है, सीरियसली बोलूँ वो नहीं पता मेरे को। बाकी यहाँ से पूरी ऐसे रास्ते, यहाँ से लिंक रोड है, वो नीचे वाला जहाँ स्टार्ट करता था वहाँ से ऊपर आके मैनेजमेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट, मैं आप लोगों को दिखूंगा, यहाँ से ऊपर 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 जाके लाइब्रेरी, गर्ल्स हॉस्टल, पार्किंग और स्टेडियम, ऊपर यूनिवर्सिटी का मंदिर भी है, मैं आपको मंदिर में भी लेके जाऊंगा, बढ़िया वहाँ पे भी जाके आप लोग पूजा वगैरह कर सकते हो जो बच्चे करते हैं। जैसे आप इन दोनों को देख रहे हो ना यहाँ पे खड़े, इनको ऐसे करते हैं सारे बच्चे यहाँ पे आके, बढ़िया यहाँ पे बैठते हैं, पूरा व्यू का मज़ा लेते हैं, सामने वाले का फुल पावर एंजॉय करते हैं, सेक्सी फील आती है, यहाँ पे डांस भी करते हैं बंदे, गाने भी गाते हैं बंदे, बस ऐसे ऐसे, बस यही चाहिए, यही चाहिए, यही ऐसे करते हैं। पर अभी कोविड के चक्कर में सिर्फ बच्चे नहीं आ रहे ज़्यादा ना, फाइनल ईयर वालों को बुलाया हुआ, तो उसके चक्कर में, नहीं तो इतने हरियाली मतलब समझ रहे हो ना। गए तो हम लोगों को लाइब्रेरी दिखाऊंगा, मतलब लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की सबसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, है ना, बाकी यूनिवर्सिटी तो है ही सुंदर, पर तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी कुछ, मतलब प्यारी सी प्यारी लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल। बाकी ऐसे ऐसे यहाँ से फील है, यहाँ पे फील चेक करो आप एक बार, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे भी खेल सकते हैं, यहाँ पे भी खेलते हैं, बाकी एक स्टेडियम है वो निचली साइड है जो मेन ग्राउंड है। तो ये लाइब्रेरी है पूरी, लाइब्रेरी अंदर से मतलब बहुत प्यारी, और ऊपर का टॉप है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। और ये जो रास्ता के ऊपर को जहाँ पे एक लड़की जा रही है वो जाता है गर्ल्स हॉस्टल की रास्ता, वो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा अभी। योगानंदा लाइब्रेरी यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, अभी हम लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो मैं आप लोगों को लाइब्रेरी दिखाऊंगा, सेक्सी वाली फील्ड। लाइब्रेरी की जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग लाइब्रेरी के अंदर लेके चलता हूँ, बट लाइब्रेरी के मैं आप लोगों को अंदर लाइब्रेरी में कुछ नहीं बोलूँगा, लाइब्रेरी की सिर्फ आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा मैं, अच्छे अच्छे शॉट्स। ऊपर जब मैं टॉप पे जाऊंगा तब मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो चलते हैं। तो कुछ ऐसे जैसी फील है यहां से, वुडन की यहां पे स्टेयर्स बनी है, यहां पे ऊपर जाएंगे, यहां पे एंट्री होती है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी का, वो स्कैन करना पड़ता है, तो वो सब कुछ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या होता है। कार्ड होता है, कार्ड तो मेरे पास है नहीं, बट फ़ोन में शुरू नहीं आपको कार्ड मिल जाता है आपका जो होता है कार्ड, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ स्कैन करके जाना पड़ता है, स्कैन हो गए थे यहाँ पे आ जाते हैं, कितने घंटे लगाए अभी तक लाइब्रेरी में, कितना टाइम है सब कुछ। और अब हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, और लाइब्रेरी में शोर नहीं होना, तो आप सिनेमैटिक्स देखो।
तो जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए सारे, आई होप आप सबको अच्छी लगेगी लाइब्रेरी, मतलब लगी होनी चाहिए, लगने वाली चीज़ है। तो ये जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये टॉप फ्लोर है लाइब्रेरी का, और यहाँ पे ऐसे गार्डन जैसे जिसको बोलते हैं घास जैसी प्यारी वाली फील में, तो सर्दियों के टाइम पे ठंड होती है तो फिर नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मजाक नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे ऊपर आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे बढ़िया धूप में बैठ के सेक्सी वाली फील में पढ़ रहे थे। ये हट था हमारे टाइम पे नहीं था, ये भी बना है लॉकडाउन के टाइम पे, और ये भी रामा कृष्णा ही स्टूडियो, यहाँ पे भी टीचर्स का ही है कुछ पता नहीं क्या है। बाकी यहाँ से शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ये जो है ये पार्किंग थी, ये वो ग्राउंड है वो है, और वो यूनिवर्सिटी है, और ये सामने शीशे में। तो यार अब जाके थोड़ा बहुत मौसम साफ होने लगा, मतलब जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था तो बारिश लगी थी, और मेरे को ज़रा सी फील आई थी सच बताऊँ करके क्या ब्लॉग करूँ क्या, बट अब थोड़ी एनर्जी आ रही है। वो देखो सामने बादल आ रहे हैं, और ये अपनी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का भी डन, लाइब्रेरी मैंने आपको दिखा दी, OAT नेस्कैफे लाइब्रेरी हेल्थ सेंटर, अपना GH ब्लॉक भी दिखा दिया सबको। से हम ऐसे जाएंगे, ये भी एक शॉर्टकट रास्ता है डिपार्टमेंट्स के लिए जाने के लिए, ऊपर मंदिर वाली साइड से शॉर्टकट रास्ता, अगर आपको यहाँ से भी पता नहीं लगेगा तो यहाँ पे सारा एक पूरा बोर्ड, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जब भी आओगे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से जाएंगे, एंट्रेंस भी दिखाऊंगा सब कुछ। तो ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे फील है, यहाँ से शॉर्टकट वाला रास्ता, और ये है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड लिबरल आर्ट्स वालों की बिल्डिंग है, ये GH ब्लॉक है, ये H ब्लॉक होगा शायद ना। तो बस अब हम सीधे जाएंगे अपने फार्मेसी ब्लॉक में, उसके बाद जाएंगे सेंट्रल मेस में कुछ खाएंगे, उसके बाद सीधे टाटा बाय बाय। बट देखते रहो, अच्छा लगते रहते ना जब आप लोग देखते रहोगे, आगे आगे वीडियोस कमेंट सेक्शन में बताते रहना कैसी लग रही है। और भाई तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा 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 नहीं है भगवान के लिए? भाई श्रद्धा ऐसे दिखानी नहीं होती, श्रद्धा दिल से होती है बेटा, बस डायलॉग मत मारना कि श्रद्धा दिल से होती है। किसी चीज का दिखावा ना किया जाए उसको श्रद्धा नहीं। वाह कौन, देखो यार पूरे जंगल के बीच में यूनिवर्सिटी है, यहाँ से देखो ना असली फील, तो यहाँ से पता लग रही है प्यारी एक नंबर। मौसम भी चेकआउट करो, लाइव मौसम है, मैंने कोई भी इंद्रदेव से बात नहीं करी कि ब्लॉग बनाने तो मौसम अच्छा रखना क्यों है ना, क्या बात अच्छी बात है ना, ये भी बात अच्छी लगी। अपनी यूनिवर्सिटी में शॉर्टकट ही शॉर्टकट है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए, और ये अपना फार्मेसी डिपार्टमेंट, हाय 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 हाय, क्या ही क्या ना इस डिपार्टमेंट का भी, वो अपनी लैब्स वगैरह दिख रही है वहाँ पे। तो ये दरवाज़ा बंद है, नहीं तो मैं आप लोग अंदर से भी दिखा सकता था अपने डिपार्टमेंट का, अपने डिपार्टमेंट स्टार्ट ऑफ द, इस हट में हम बैठे होते थे, हट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के पास एक हट होता है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो बढ़िया। यहाँ से जाते हैं सेंट्रल मेस को रास्ता, जो कैंटीन, जिसको कैंटीन बोलते हैं कॉलेज की भाषा में, कि कैंटीन में, और यहाँ से अपना ब्लॉक स्टार्ट हो रही है, अपना फार्मेसी ब्लॉक बंद है बट ठीक है, अंदर जाके नहीं दिखा सकता। बाकी ये कुछ ऐसी ऐसी फील है, और अपने ब्लॉक से सीधे OAT दिखता है, कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है फार्मेसी ब्लॉक से तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर यहाँ से नीचे देखते थे, अभी अड़ रहे हैं तो इनका कोई सीन नहीं है। बाकी ये देखो ये नीचे OAT है, अब जा रहे हैं सेंटर में, सेंट्रल मेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और तो ये जो पीछे आप लोग देख रहे हो ये सेंट्रल मेस है हमारी, और यहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छा मिलता है, अंदर से आप लोग ऐसे देख सकते हो, ये व्यू है सामने सेंट्रल मेस के, और नीचे वही ब्लॉक एकेडमी ब्लॉक, ये ऊपर ए ब्लॉक के ऊपर है वैसे तो ये पूरा वो रास्ता वहाँ से। यहाँ पे ATM भी है गाइस, अगर स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाने के लिए मुश्किल होती है यहाँ पे ATM भी टिकट निकाल सकते हो। बाकी ऐसे कुछ बैड एस कार्स भी है हमारे पास, कैरी कार्स। तो गाइस यहीं से हमने स्टार्ट करा था, लोग यहीं पे आके ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों को मैक्सिमम मैंने सारी चीज़ दिखा दिया आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए एक शूलने कैंपस टूर वीडियो। तो गाइस आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और खास करके उन बच्चों के साथ शेयर करना जिनको शूलने में जाना, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी कैसी है, बाकी पूरा तो आके लगता है पता असली फील कैसी है। तो वहीं पर यहीं पर स्टार्ट किया था, यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं बड़ी जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए। We'll be right back.